मसला तो यही है ना कि आपने नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद इतना पैसा आया कहां से? एके मिश्रा जी, ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? और ये जांच की आंच पड़ी तो इतना तड़प क्यों रहे हैं ये लोग? चावला जी देखिए, आपका जो एक बेसिक सवाल था पहले राउंड में, आप पूछना चाहते थे नोटबंदी की और तमाम मीजर लिए उसके बाद भी इतने जो है ब्लैक मनी निकल रही है, काला धन निकल रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो। तो अगर इकोनॉमिक प्रोसेस जो होता है उसमें देखें तो नोटबंदी करने के बाद ऐसा नहीं हुआ था कि भारत सरकार ने नए नोट मार्केट में सर्कुलेट नहीं किए थे। जब नए नोट सर्कुलेट किए थे और अगर यहाँ मार्केट में किसी भी पार्टी के लोग हों, काला बाजारी करने वाले लोग रहेंगे, तो वो जो काला धन है फिर से रीअकरेंट होने लगता है रक्त बीज की तरह। ये एक प्रोसेस है, उसके लिए कॉन्टिन्यूस जो है इस तरह के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। रही बात अब इस हम रेट पे आ जाते हैं तो इसमें तो समाजवादी पार्टी ने उड़ता हुआ तीर ले लिया। जब ये पैसे पकड़े गए तो आईटी वालों ने तो कुछ नहीं बोला ये कौन से पार्टी के हैं, और मुझे ये लगता है कि शायद वो समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं है, कभी चुनाव भी नहीं लड़े हैं और प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर ये काले धन का विरोध करते हैं विपक्ष या समाजवादी पार्टी, तो जबरदस्ती उसको निर्दोष साबित करने के लिए उसकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं भाई? गलत आदमी का साथ क्यों दे रहे हैं? वो सरकार वगैरह साबित करेंगी कि वो काला धन था कि सफेद धन था, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। आप इतना डिफेंसिव हो रहे हैं उसके चक्कर में कि जैसे वो उसका पैसा ना हो कि आपका पैसा है। इसके कारण ये विवाद और गहरा गया, बीजेपी ने इसका राजनीतिक फायदा ले लिया कि भाई आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, जब आप आगे आगे उड़ता तीर लेंगे तो आपके विपक्षी दल क्यों नहीं फायदा लेंगे। जो बात मिश्रा जी ने उठाई मैं उसी पर आ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि भैया इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये पैसा समाजवादियों का है इस वजह से परेशान हो रहे हो। मैं बोलता हूँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वो भी छापा डाले ना स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों को प्रयोग करके, निकलने दीजिए, काला धन पैदा होता रहेगा, उसको रोकते रहिए, निकालते रहिए ना। मैं तो स्वागत करता हूँ, काला धन हो, काला धन हो, गोरा धन हो, जो भी धन हो, वो धन जनता के सामने है। एके मिश्रा अपनी बात रखिए। देखिए मैं ये बोल रहा था इकोनॉमिक प्रोसेस देखिए, नोटबंदी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैश का इनफ्लो मार्केट में नहीं किया। नोटबंदी के बाद भी नए नोट मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दिए। अब चूंकि 120 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पे, चीजों को मैनेज करना किसी भी गवर्नमेंट 100% मैनेज करना किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। साढ़े चार साल के अच्छा फर्जी बिल अभी, अरे सर आप मेरी बात सुनिए, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ चावला जी, मुझे कॉन्सेप्ट पूरा कर लेने दीजिए। साढ़े चार साल के बाद ये लिस्ट क्यों आती है? साढ़े चार साल के बाद फर्जी बिल अभी, अरे सर आप मेरी बात सुनिए, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ चावला जी, मुझे कॉन्सेप्ट पूरा कर लेने दीजिए। अभी मैं पूछ रहा हूँ साढ़े चार साल के बाद ये लिस्ट क्यों आती है? ये मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने तो विपक्ष के शिल्पी मैम बैठी है, मैंने पूछिए ना विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं राजस्थान में, क्यों नहीं बंगाल में, क्यों नहीं जो है बॉम्बे में मार रहे हैं, ये छापा मार रहे हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्टेट या इकोनॉमिक जगह हब तो बॉम्बे है, अगर विपक्ष की सरकारें हैं तो वहां क्यों नहीं मार रहे हैं बीजेपी वालों के यहाँ छापा? हो सकता है उनके यहाँ से भी 1,000-2,000 करोड़ निकले। जनता का भला जहां से हो, ये रक्त बीज की तरह का कॉन्सेप्ट है, ब्लैक मनी हर बार ये बनता रहेगा, हर बार इसको सफाई करने की जरूरत है। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना टाइट किया, सब लोग चिल्लाने लगे कि भैया ये कैश में इन्होंने बंद कर दिया इलेक्ट्रॉनिक, 100% अगर ये कर देंगे तब तो हालत खराब हो जाएगी। इतनी ढील दी हुई है, इतना कैश मार्केट में है तब इतनी हालत खराब कर रहे हैं विपक्ष वाले, न जाने क्या क्या बता रहे हैं, घंटी और घंटा से उसको जोड़ रहे हैं। और अगर 100% इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए कैश, तभी ये ब्लैक की प्रॉब्लम तभी खत्म होगी, ब्लैक मनी की, जब 100% इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रहा हूं मनी साढ़े चार साल का इंतजार करवा दीजिए सर। मेरा सवाल यही था कि साढ़े चार साल का इंतजार क्यों किया जा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ रोज मारो छापे, कारण है 50 लोगों के घर मारो छापे, टाइमिंग का ऊपर सवाल है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि साढ़े चार साल क्यों इंतजार कर रहे हो? देखिए क्या होता है कि मैं 4.5 साल हो गए, 2500 साल से वो पीयूष जैन रहता था, उसके घर के बगल के लोग नहीं जान पाए, कन्नौज से अखिलेश यादव की वाइफ चुनाव लड़ती हैं,
इतने दिन तक चुनाव लड़ी है, उनको नहीं पता चल पाया जब उनकी सरकार थी? ये 200-250 करोड़ कोई एक महीने 4 साल में जमा किया हुआ संपत्ति है। अखिलेश यादव की वाइफ जब वहां से चुनाव लड़ती थी तो उनको क्यों नहीं पता चल पाया, मुझे बताइए? हो सकता है उस गली में भी वो गई हो, वहां पे चुनाव वोट मांगने के लिए गई ही होंगी। है कोई जवाब आपके पास, या चौधरी मैम के पास हो तो बताइए। मेरा छोटा सा जब पकड़ में आते मतलब हैं, आप ये कह रहे हैं कि 4.5 साल बाद पकड़, 4.5 साल के बाद पकड़ सर, इसमें देखिए अपराधियों का कोई भरोसा नहीं। जब पकड़ में आ जाए, जब रेड हैंडेड हो जाए, कोई अपराधी 25 साल अपराध करता रहता है, 10 साल के बाद पकड़ में आता है, अब उसके लिए क्या करेंगे बताइए, क्या कर सकते हैं? मैंने इसीलिए ओपन कर दिया कि पक्ष विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं, धुआंधार आप लोग रेड मारिए, मारिए। बात में जानना चाह रहा था, ये चुनावी मौसम में जो झमाझम छापे पड़ रहे हैं, ये इससे कुछ संदेह होता है आपको? नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने कई बार आपके डिबेट में भी बोला हूँ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इलेक्शन कमीशन के चरणों में वंदना करता हूँ कि हे प्रभु, 5 साल का इलेक्शन आप साल भर में कर दीजिए, क्योंकि सारी पार्टियां काम तो समय पे करती नहीं है, इलेक्शन होने के 2 साल पहले एक्टिव होती है, तो कम से कम इसी बहाने लास्ट ईयर में जाके, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे जो धुआंधार काम, समाजवादी पार्टी ने 100 से ज्यादा परियोजना का उद्घाटन अखिलेश भैया ने कर दिया था, 4 साल में नहीं किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो इलेक्शन कमीशन अगर इस चुनाव को 5 साल से हटा के 1 साल में कर देना, तो टेन्योर कम होने के कारण जो है पार्टियों के ऊपर प्रेशर रहेगा परफॉर्मेंस का, तो वो इतना ज्यादा काम करेंगी, कम से कम लास्ट ईयर में ही काम हो, 5 साल के बराबर काम 1 साल में हो जी। तो ये भी जनता के लिए गनीमत है। ओके ओके,